हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत सनाटी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन चार आदतों की। उन चार आदतों की अगर आपके जीवन में है तो निकाल देना दोस्तों, वरना आप बर्बाद हो सकते हो, आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। इसलिए दोस्तों, आज वो चार आदतें मैं आपको बताऊंगा। अगर नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है आपके जीवन में, लेकिन अगर हो तो सोचना उनके बारे में जो मैं आज आपको बताता हूँ। फर्स्ट आदत है गुस्सा करना, अधिक गुस्सा करना। अगर आप अपने जीवन में अगर अधिक गुस्सा करते हो तो दोस्तों, ये आपके बहुत बहुत नुकसानदायक है। दूसरे इससे प्रभावित नहीं होंगे, सबसे ज़्यादा दोस्तों आप प्रभावित होते हैं। गुस्से में क्या होता है? गुस्से में आदमी अपने आप अपने शरीर को जलाता है, अपने आप को नुकसान पहुंचाता है दोस्तों। दूसरे कम प्रभावित होते हैं आपके गुस्से से, सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ आपको। गुस्से से आप बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, आपकी विवेक, आपकी सोचने की क्षमता कम हो जाती है, और बुद्धि पे सबसे ज्यादा दिमाग काम कम करता है दोस्तों, आपकी जीबान सबसे ज्यादा काम करती है, और आप उल्टा सीधा बोल जाते हो, अपनी जीबान पे आप काबू नहीं रखते हो। और जब गुस्से में आप हर कुछ बोल जाते हो ना, जब आपका गुस्सा ठंडा होता है ना, तब आपको पता चलता है कि मैंने उनको क्या बोला, और तब आपको रियलाइज होता है। दोस्तों, उबलते हुए पानी में कभी आप अपनी परछाई देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। गुस्से में किसी इंसान का आप सच नहीं देख सकते हो दोस्तों। गुस्से को शांत करना पड़ेगा, तभी आप उसकी सच्चाई जान पाओगे दोस्तों। इसीलिए अपने जीवन में अगर आप अधिक गुस्सा करते हो तो वो गुस्सा निकाल देना, यह आपकी प्रगति के लिए, आपकी सफलता के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक है दोस्तों। सेकंड, अति उत्साह ना करें दोस्तों। दोस्तों, जीवन में अगर आप एक उत्साह होना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आप अति उत्साह करते हो ना, तो वो बहुत आपके नुकसानदायक है। उसमें अति उत्साह में कभी कभी आप गलत निर्णय ले लेते हो, एक सटीक निर्णय नहीं ले पाते हो, और वो गलत निर्णय आपको, एक गलत निर्णय आपके जीवन बर्बाद कर सकता है। इसलिए अति उत्साह अपने जीवन में न रखें, अपने जीवन में हमेशा उत्साह रखें, लेकिन अति उत्साह न रखें। बहुत सारे नेता होते हैं, आपने सुना होगा, वो जीत के प्रति बड़े बड़े दावा करते हैं, चुनाव कैंपेन करते हैं, बड़े बड़े खुश होते हैं, लेकिन जब रिजल्ट अगर उनके प्रति नेगेटिव आता है तो क्या होता है दोस्तों, उनको सदमा लग जाता है, हार्ट अटैक तक आ जाता है दोस्तों उनको। क्यों? क्योंकि जब वो चुनाव में अति उत्साह होते हैं, वो उस भीड़ को और उस क्राउड को और देख के लगता है कि यार हम जीत जाएंगे, लेकिन जब रिजल्ट उनके नेगेटिव आता है दोस्तों, तब उनको बहुत ही बड़ा सदमा लगता है। इसीलिए अति उत्साह न रखें दोस्तों। जिस दिन अति उत्साह आपने अपने जीवन में रखा, तो आपको नुकसान ही नुकसान झेलना पड़े। थर्ड दोस्तों, अपने जीवन में अगर ये आदत है तो निकाल देना, चापलूसी करना। किसी की चापलूसी न करें दोस्तों, चापलूसी से आपका जीवन बर्बाद होगा दोस्तों। चापलूसी करना मतलब किसी को सत्य से अवगत ना कराना। चापलूसी, आप बड़े बड़े फील्ड में कहीं जाते हो तो छोटे छोटे अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारियों की चापलूसी करते, उनको सत्य से अवगत नहीं कराते। नुकसान किनका होता है? उन छोटे अधिकारियों का। वो चापलूसी करते हैं, लेकिन जब उनको पता चलता है कि यार ये चापलूसी करके मेरे ये काम निकला रहा है, फिर क्या होता है? फिर नुकसान आपको ही झेलना पड़ता है। चापलूसी और आलोचक में सिर्फ एक अंतर है दोस्तों, चापलूस व्यक्ति अच्छा बनकर भी बुरा रहता है, और आलोचक बुरा बनकर भी दोस्तों अच्छा रहता है। इसीलिए अपने जीवन से आदत निकाल देना दोस्तों। अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है, अगर आपको अपना व्यक्तित्व अच्छा बनाना है, तो चापलूसी अपने जीवन में नहीं लाना दोस्तों। और लास्ट फोर्थ दोस्तों, खुद को कभी महान ना समझे दोस्तों। अगर जिंदगी में अपने आप को महान समझा, शब्द मैं ही हूं, मैं शब्द अगर आपके जीवन में आ गया दोस्तों, तो आप कुछ नहीं सीख पाएंगे, यह दावा है मेरा। आप जहां है वहां ही रह जाएंगे जीवन में। इसको आप एक तरह के अहंकार समझ सकते हो, अपना अहंकार, मैं ही हूं, वो चीज अपने जीवन में मत लाना। कभी कभी आप देखते हो कोई किसी बड़ा आदमी होता है, बड़ा पद पे होता है, जब छोटा आदमी कुछ उसको बात बताता है, अच्छी बात बता रहा है, फिर भी वो अपने अहंकार, वो अपने आप को महान समझने, अपने आप को श्रेष्ठ समझने के कारण क्या करता है? अरे नहीं, आप अच्छी बात नहीं बता रहे हो, मैं कह रहा हूं जो करो, मैं कह रहा हूं जो करो, मैं ही सत्य हूं, मैं ही सनातन हूं। यह सबसे बड़ी नुकसानदायक चीज है दोस्तों आपको। इसीलिए जीवन में कभी भी अपने को महान ना समझे दोस्त, हमेशा सीखने की प्रवृत्ति रखे, हमेशा सीखते रहे। आपको लगे कि मुझे इस छोटे आदमी से भी सीखना है,
तो सीखते रहिए, वहाँ पे शर्म मत करिए दोस्त। इसी के साथ दोस्तों आज यहीं, देखते रहिए मेरे वीडियो। नमस्कार।